हेलो, हाउ आर यू? ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है. इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/5 sec² θ - 10 square θ +4 cos² θ इज पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स, फाइंड पी प्लस क्यू. ठीक है. अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू ये दिया है पी बाई क्यू. ठीक है, तो ये पूरा मैक्सिमम कब होगा? जब नीचे वाला मिनिमम होगा, राइट? ये जब नीचे मिनिमम होगा तब ऊपर वाला मैक्सिमम होगा. मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा. ठीक है ना? जैसे कोई भी ना, जैसे कोई भी नंबर, जैसे पी कोई भी क्यू एक कोई नंबर है और नीचे अगर मिनिमम आ रहा है तो ये रिजल्ट तो मैक्सिमम देता है. सही है? जैसे मान लो क्यू है नीचे और नीचे अगर मैक्सिमम आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा? मिनिमम. है ना? जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही कम आंसर आता है, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही बड़ा आंसर आता है, राइट? तो ये अपना एक बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए इसके बारे में, है ना. चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि अपने को फिर इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. अगर ये मैक्सिमम है तो नीचे वाले का मिनिमम. ठीक, तो करते हैं फाइंड मिनिमम क्या होगा उसका. तो क्या दिया है? 5 sec² θ - 10 square θ +4 cosec² θ. ठीक है, ये पी बाई क्यू के इक्वल दिया है, पी बाई क्यू के इक्वल. सही है. अब देखो, दो तरीके से करेंगे इसको. पहले तो एक नॉर्मल जो तरीका है वो देख लेते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं sec² θ को 1 + tan² θ. तो ये कितना आ जाएगा? 5 + 5 tan² θ. ठीक है, sec² θ को लिख दिया 1 + tan² θ, 5 अंडर मल्टीप्लाई हो गया, राइट? और ये कितना आ जाएगा? -tan² θ +cosec² θ को आई कैन राइट 1 + cot² θ, 4 मल्टीप्लाई हो अंदर तो क्या होगा? 4 + 4 cot² θ इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू. सही है. तो इसका अपन मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका पूरे का मिनिमम वैल्यू, राइट? लिख लें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो देखो, 5 + 4 तो 9 हो गया, प्लस 5 tan² θ -tan² θ हो गया 4 tan² θ. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? +4 cot² θ इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू. इतना हो गया, राइट? अब एक काम करते हैं, 9 + इससे 4 4 कॉमन निकाल लेंगे. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, tan θ -cot θ का होल स्क्वायर +2. ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि इसको तो मैं एक्सपांड करूँ यही आ जाएगा वापस से. 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, राइट? तो इसको ना, इसको tan θ - cot θ को एक्सपांड करो, tan² θ + cot² θ -2 tan θ cot θ. तो tan θ cot θ तो कैंसिल हो जाएंगे और बच गया 2, तो -2, तो उसको बैलेंस करने के लिए +2 करा अपन ने. तो ये हो गया अपना, राइट? और ये कितना हो गया? पी बाय क्यू. तो 9 + 4. अब देखो, इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वी आर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0. तो ये तो 0 होगा और ये क्या हो गया? +2. तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 0 0 4 2 8, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17/1 इज इक्वल टू पी बाय क्यू. ठीक है ना? सॉरी 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 सॉरी, एक अपन ने गलती कर दी. अपन इसका ही फाइंड कर रहे हैं सिर्फ, है ना? पी बाई क्यू तो बाद में बोला है, राइट? तो ये अपना कितना आ गया? इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 17. ठीक है, तो इसका मतलब पी बाई क्यू कितना हो जाएगा? 1/17. सही है. और तुमको बोला है पी और क्यू कोप्राइम्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू का वैल्यू आ जाएगा 1 + 17, दैट इज 18. तो 18 आ गया. सही है ना? जैसे अगर कैसे, जैसे क्यू इज इक्वल्स टू 17p. सही है. तो मानो अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या रखूंगा कि इसके इक्वल आएगा? p का वैल्यू मेरे को रखना पड़ेगा 1. ठीक है, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 17. तो p का वैल्यू 1, q का वैल्यू 17, तो 1 + 17 18 हो गया. ठीक है, चलो. ये पहली तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, एक तरीका, राइट? अगर अपन ने AMGM पढ़ा है ना, अगर अगर अपने को ये आइडिया है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, है ना? अगर AMGM पढ़ रखा है तो उससे भी लग सकते हो. AM मान लो
ये क्या होता है, जैसे एक दो नंबर है, एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम एक्स, दो नंबर का ए एम एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो यही अप्लाई करना है अपने को, है ना। तो यही अप्लाई करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं कि कर सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू नीचे का फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो यही लिख लो पहले, यहाँ तक देखो, यहाँ तक सॉल्व करोगे तो उतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बात सुनो, क्या करो, तुमको पता है कि ए एम जी एम के लिए पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो 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 भी दिया है, जैसे जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, तो उसके बाजू वाला उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, है ना, रेसिप्रोकल, और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके अपन ए एम जी एम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगा सकते हो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, सही है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जैसे मैंने बोला टेन थीटा प्लस वन बाय टेन थीटा अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा इंटू वन अपॉन टेन थीटा, सही है। तो देखो, अगर ये थोड़ा सा अगर ऊपर इलेबरेट करेंगे तो टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो वन हो गया और ये क्या हो गया, टू। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके देखते हैं, क्योंकि तुमको पता है टेन थीटा और इस तरीके से कुछ जनरेट करना है, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू, और ये कितना हो जाएगा, फोर, सही है। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टू, प्लस टू उधर गया, तो अपने को तो ये इसके साथ क्या चाहिए, ये इसका बात कर रहा हूँ, इसका अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया तो अपन ये पूरे का मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मिनिमम देखो, अब देखो ये इतना हो गया, इसको इस तरीके से बनाना है, राइट। तो एक अब देखो, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, फोर से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो अगर फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फोर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा एट। अब यहाँ पे नाइन भी है तो नाइन भी ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन प्लस फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फोर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, नाइन प्लस एट कितना हो गया, सेवनटीन। तो देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो जनरेट हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू सेवनटीन है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया इसका, सेवनटीन, है ना। तो मिनिमम वैल्यू सेवनटीन आ गया, तो इसका मिनिमम आ गया, वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा इसका सेवनटीन, इससे भी सेवनटीन आया, और ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से भी सेवनटीन आया, समझ गए। तो ए एम जे एम में क्या होता है, पता है कि जो भी फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन टू, जैसे टू नंबर से टू, थ्री नंबर से तो थ्री, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना जब तुम इसको